हेलो माय बच्चा पार्टी रजे अज आप शुरू करन जा रहे हाँ कि तुहाडे मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़े हैगे ने टॉपिक मतलब लास्ट टॉपिक है अपना आपां तुहानूं फॉर्मूलाज करवाने ने ठीक है। तुहानूं भी पता हरेक साल जिहड़े हैगे ने दो फॉर्मूला तुहानूं आए ही आए ने घट्टो घट। सो मैं मानती हाँ कि मेरी गलती है, मैंने थोड़ा पहला करवा देने चाहिए सी बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए, सो मैं फटाफट तुहानूं करवा दिंदी हाँ। हजे 6:30 ही होए ने ठीक है जी। सो रजे आता बेसिक जे फॉर्मूले ने, अगर सानूं सर्कल का घेरा पुछ लैण यानी कि सरकमफेरेंस पुछ लैण तां साडा 2πr आएगा, और अगर सानूं बाय चांस सरकमफेरेंस ऑफ सैमी सर्कल पुछ लैण यानी कि अर्ध चक्कर का सानू की पुछ लैन परिमाप पुछ लैन, तो तुहानू पता है सर्कल का किन्ना होंदा 2πr, इनू जदों तुसी 2 नाल डिवाइड कर दोगे तो अपने कोले किन्ना आ जाएगा πr आ जाएगा, बिकॉज 2 नाल 2 कट्टिया जाएगा सो अपने कोले किन्ना आंसर आ जाएगा राजे πr आ जाएगा। सो घेरा सर्कल का किन्ना हो गया 2πr, ये मैं 2 तुहानू कट के दिखाया हुआ ठीक है कि इदा किवें आया, और जिहड़ा अपने कोले सैमी सर्कल है उहदा सरकमफेरेंस यानी घेरा किन्ना आ गया राजे πr, और तुहानू सर्कल का जिहड़ा एरिया पता किन्ना हुंदा πr दी घात 2 πr स्क्वेयर ठीक है राजे। चलो ये तो बहुत बेसिक जिहियां गल्लां सी, मैं तुहानू असल चेक करवाना है। तुसीं कहोगे मैम तुसीं आ इन्ना कुछ किया पे ऑलरेडी, क्योंकि मेरे तो वीडियो गलत बन गई सी, मैंने दोबारा सारा शूट किया, पहला मैं आ सारा कुछ करवा चुकी सी जिहड़ी मैं पहला वीडियो बनाई सी ठीक है। सो राजे हुण देखो अपने कोले इह सर्कल है, तुहानू पता है अगर अपने कोले कोई सर्कल है अगर आपां इहदे दो पॉइंट्स नूं मिला दिंदे आ तां इक अपने कोले वड्डा एरिया आ जांदा, इक छोटा एरिया आ जांदा ठीक है। इह वड्डे एरिया नूं आपां मेजर सैगमेंट बोलदे आ और छोटे वाले एरिया नूं आपां माइनर सैगमेंट बोलदे आ। जिहड़े बच्चे पंजाबी मीडियम वाले ने ओह भी फटाफट देख लैण आपां इहनां नूं की बोलदे आ। राजे जिहड़ा छोटे वाला है यानी जिहड़ा इह माइनर सैगमेंट है हैना, जिहड़ी इह माइनर सैगमेंट है उहनूं आपां लघु चक्करखंड बोलदे आ, ते जिहड़ा मेजर सैगमेंट है उहनूं आपां दीर्घ चक्करखंड बोलदे आ। उस तो बाद अगर तुहानू बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए और तुहानू मेंशन ना होवे कि किहड़े सैगमेंट की गल कर रहे हैं, माइनर की तो मेजर की तो आप बाय डिफॉल्ट हमेशा जिहड़ा हैगा माइनर सैगमेंट लैके चलांगे, किहड़ा सैगमेंट लैके चलांगे लघु चक्कर खंड यानी कि माइनर सैगमेंट लैके चलांगे। उस तो बाद राजे मेन तुसीं ये वाली चीज़ समझनी है, ये वाली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपां नूं की आया होया माइनर सैक्टर ते मेजर सैक्टर। हुण देखो सैक्टर की हुंदा, तां सैक्टर बेसिकली की हुंदा, ओ वाला एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क, मतलब जिहड़ा ओ वाला एरिया जिहड़ा किहदे द्वारा घिरिया हुंदा, 2 रेडियाई दे द्वारा घिरिया हुंदा ते इक किहदे द्वारा आर्क दे द्वारा घिरिया हुंदा। हुण देखो अपने कोले आह 2 रेडियाई ने ते आह की है अपने कोले छोटी वाली चाप है ए बी, तो इहदे विचकार वाला विचकारला ए वाला एरिया किहड़ा आ गया माइनर सैक्टर, माइनर सैक्टर की आ गया यानी लघु अर्धव्यासी खंड, ते आह वड्डा आ गया यानी कि मेजर सैक्टर, क्योंकि देखो आह पूरी दी पूरी वड्डी चाप है ते आह रेडियाई आ गई, सो दैट मीनस ए भी यही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ए वाला भी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बस ये अपने को माइनर सैक्टर है तो यही अपने को मेजर सैक्टर है। तो माइनर सैक्टर के मतलब जेडे अपने ही रेडियाई होंगे ने जिथे मिलते हैं वो उत्थे अपने को एंगल बन जाता थीटा, और ये थीटा दी वैल्यूज पता करनी एक बार पंजाबी देख लो इनू की कहते हैं, इनू रजे आप लघु अर्धव्यासी खंड कहने, तो जो बार वाले आप दीर्घ अर्धव्यासी खंड कहने। आई होप दिस इज क्लीयर। हम रजे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट तुम अपना देख लो मार्कर, हाँ सो जदों भी आपां नूं रजे की पुछ लैण एरिया एरिया ऑफ द सैक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो जो भी आपां नूं एरिया पुछ लैणगे पहली गल तुसीं ये गल याद रखनी है कि हमेशा थीटा बटे 360 आएगा, थीटा बटे 360 आएगा। जदों उन्होंने एरिया पुछ लिया तो तुसीं की करना है उन्हूं जिहड़ा अपना सर्कल का एरिया होंदा उहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज़ पाई आर स्केयर। तो जदों आपां नूं लेंथ ऑफ द आर्क पुछ ली तो आपां ने की कर देना परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस नाल मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज़ 2πr। सो एरिया ऑफ द सैक्टर ऑफ एंगल थीटा यानी कोण थीटा वाले अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अगर सानू पुछ लैन लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि की पुछ रहे हैं, आह पुछ रहे हैं लेंथ ऑफ एन आर्क की पुछ रहे हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सैक्टर ऑफ एंगल थीटा यानी एक थीटा वाले एंगल की जी आर्क है उसकी लंबाई कितनी होएगी, कौन थीटा वाले अर्धव्यासी खंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होएगी, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। बस तुम इन्ना याद रखना कि जो एरिए की गल कर उदो अपने को पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई करना है, जो लेंथ ऑफ एन आर्क की गल कर उदो रजे आपू कि मल्टीप्लाई करना अपने जो सर्कल है वो सरकमफेरेंस यानी कि घेरे यानी 2πr मल्टीप्लाई करना है ठीक है जी। तुसीं पंजाबी मीडियम च भी बुक के फॉर्मूलास देख सकते हो अपने आ लिखे हुए हैं, कौन थीटा वाले अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2, और कौन थीटा वाले अर्धव्यासी खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणा 2πr। वेरी गुड। हुण मैं तुहानूं फटाफट लगे हाथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सैक्टर। देखो जो इतने एरिया आ गया तो माइंड चो आ जाना चाहिए कि थीटा बटे 360 वो की गुणा होना एरिया यानी पाई आर की घात 2 यानी तुहाडे कोले की आएगा, तुहाडे कोले राजे पहला तुसीं लिख लेना थीटा
बाय 360 तुहानू पता लग गया एरिया है, तो एरिया अपने को कितना आएगा, एरिया अपने को आएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन तुसी अगे पढ़िया इत्थे कितना दिता होया एंगल पी डिग्री, कर घबरा नहीं जाना, थीटा अपने को एंगल ही हुंदा, दैट मीनस क्वेश्चन च अपन कहता कि एंगल की अपने को पी डिग्री है। इन्नी गल क्लीयर है राजी। सो एरिया ऑफ अ सैक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर इज, हुण सानू रेडियस कितना दिता, कैपीटल आर दिता। देखो ये तो तुहानू बेसिक दीआं चीज़ां ने, ये तो तुसी क्लीयर कर लोगे, मेन चीज़ है कि तुहाडा कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए। हुण देखो, हुण जदों तुसी निगाह मारोगे तुहानू किते भी आ फॉर्मूला नहीं दिख रहा, किते दिख रहा नहीं दिख रहा। हुण देखो तुसी की करोगे, देखो पहली ऑप्शन दे विच तां 2 पाई आर है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ सकती, एलीमिनेट कर दो। दूसरी दे विच भी 2 पाई आर है, ये भी बिल्कुल नहीं आ सकती, एलीमिनेट कर दो। हुण ऑप्शन बी ते ऑप्शन डी देखो, इत्थे भी तुहाडे कोले पाई आर स्क्वेयर है, इत्थे भी तुहाडे कोले, इत्थे तुहाडे कोले 2 पाई आर स्क्वेयर है, मतलब आर स्क्वेयर तो है ना। हुण देखो कुछ कट कटा के देखो, हुण आ वाले फॉर्मूले तो सच कुछ कट्टन कटाउण है नहीं गा, लेकिन ये अपने को उपर 2 दिता हो थले 720 दिता हुआ, इनू कट के देखो जो आप कट्टे 2 1 2 चल जाएगा, और इतने अपने को आ जाएगा 360 डिग्री। देखो बन गया ना फॉर्मूला पी अपॉन 360 पाई आर स्केयर, दैट मीनस अपना राइट आंसर की आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये भी हो सकते सभी इतने कुछ भी देन, सो दैट मीनस तुम पहले ऑप्शन एलीमिनेट कर दो, एक ए चुनू पाई आर स्केयर दिख रही है, एक ए च आर स्केयर दिख रही है, ठीक है। उदू बाद कुछ ना कुछ कट्टन वाला होएगा, तुम उस तरीके सॉल्व करो, लेकिन पहला साइड से फॉर्मूला लिख लियो, बस याद रखियो इतने अपना एंगल कुछ भी आ सकता, थीटा पी डिग्री क्यू डिग्री वट एवर, बटे च 360 होएगा। अगर एरिया पुछे तो पाई आर स्केयर, और अगर अपन लेंथ ऑफ एन आर्क पुछे तो आप इतने 2 पाई आर लिख देवे। आई होप दिस इज क्लीयर, वेरी गुड राजे, अपना एक पोर्शन क्लीयर हो जाता है। उस तो बाद आ जाओ राजे आप फटाफट ए वाले, मैं तुम्हें ए सच देखो हूँ तो कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी है ना बन नहीं सकती हैगी, अगर तो देखो तुहाडे ऑलरेडी तुसी रट्टे वगैरह लगा चुके हो ना तो वधिया गल है, नहीं फटाफट हूँ अपना याद कर लियो, क्योंकि रजे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ने, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट ने मैं तुम्हें वो भी दस दूँगी, पहला वो याद करियो, ठीक है। हूँ रजे साढ़े को है, साढ़े को है क्यूबोइड, क्यूबोइड में आप बोलते हैं, क्यूबोइड में आप बोल देंगे कनाव, ठीक है। कनाव कि सू पता है कि आह जी सब तो लंबी होंगी है, साढ़े को लेंथ है, आह सा की है बी है यानी कि ब्रेथ है, और जी है की है हाइट है। तुम्हें पता जो कनाव होंगे ने वो तिने चीज़ा बराबर नहीं होंगे, यानी एल इज नॉट इक्वल्स टू बी, यानी लंबाई तो चौड़ाई तो जी जी अपनी हाइट है ये एक दूजे के बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे ने। हूँ देखो मैंने सीधे सीधा लिखता सी एस ए यानी कर्वड सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया की होंगे, तुम अपना जो जिथे भी रूम च बैठे हो ध्यान देखो, हूँ एक तो जी जिधर भी मतलब फेस किया हो, एक तो वाली कंध होएगी, एक बैक से कंध होएगी, एक सज्जे हथ कंध होएगी, तो एक खब्बे हाथ कंध होएगी, ठीक है। जो आप सिर्फ ये अपनी अगे पिछे जड़िया ये कंधा नहीं, अगर आप इन्हों का एरिया लैने तो उन्होंने आप वक्र सतह का खेत्रफल बोलते हैं, यानी कि कर्वड सरफेस एरिया बोलते हैं, कई बार लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लैन। तो टोटल सरफेस एरिया कि हूँ, हूँ देखो एक कमरे की एक छत भी तो होंगी है, तो एक फ्लोर भी होंगे, ठीक है, एक फ्लोर होंगे तो एक छत होंगी है, तो जो आप उन्होंने दोनों का एरिया भी लै लें तो उन्होंने आप टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। इन्नी गल क्लीयर है। सो सी एस ए यानी कर्वड सरफेस एरिया पंजाबी वक्र सतह का खेत्रफल बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया कुल सतह का खेत्रफल, तो वॉल्यूम पंजाबी आयतन बोलते हैं, क्लीयर है। हूँ देखो राजे वक्र सतह का खेत्रफल अपने को आ जाएगा आह 2, यदि आप गुणा करनी है एल प्लस बी नाल इंटू इंटू अपने को आ गया एच। देखो जो तुम कणाव में बहुत अच्छे तरीके नोटिस करोगे तो यह अपने को रिकटेंगल ने, रिकटेंगल बने हुए हैं, ठीक है, जेडे अपने को 6 रिकटेंगल, देखो एक अगे एक पिछे एक इधर एक इधर एक उपर एक थले, किन्ने हो गए 6, तो 6 अपने को ने गए अपने को 6 कणा होने गए आयत ने गए रिकटेंगल ने गए, ठीक है। सो तुम कुछ इस तरीके याद रख लेना कि देखो आह अपने को 2 एल प्लस बी की होंगे रिकटेंगल का घेरा होंगे पैरीमीटर होंगे, बस उन्होंने तुम कि मल्टीप्लाई कर देना हाइट न मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कई फॉर्मूला तो 2 के नाल इतने एच लिखी होएगी, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिम्मे मर्जी लिखी चलो, लेकिन तुम्हें याद किमें करना कर्व सर्फेस एरिया कि आह अपने को ने गए रिकटेंगल ने गए, ठीक है, की ने गए रिकटेंगल ने गए। रिकटेंगल तो राजे पैरीमीटर कि होंगे 2 ब्रैकेट शुरू कर दिया लंबाई जमा चौड़ाई, और एक नवा मैंबर कौन जुड़े हाइट, तो उन्होंने भी तब कितने लेना ही है, सो अपने मल्टीप्लाई करता हाइट नाल। आई होप कर्व सरफेस एरिया हो गया होएगा। हूँ टोटल सरफेस एरिया देख लो, बस टोटल सरफेस एरिया तो बड़ा सौखा जी है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बस वही दो करके लिखी जाना, आह एल यानी कि लंबाई, ठीक है, बी आप आह एल होगी लंबाई, आह होगी चौड़ाई, तो एच की होगी ऊंचाई या फिर हाइट, ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल उस हिसाब लिख दो राजे। तो वॉल्यूम की आ गया आयतन, मतलब ये कि एरिया कितनी कपैसिटी होंगी उन्होंने आप वॉल्यूम कह दें, सो यदा वॉल्यूम की आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एल इंटू बी इंटू एच, क्लीयर है। आई होप राजे क्यूबोइड यानी कि नाव तो क्लीयर हो गया होएगा।
उस तो बाद अपने को आता क्यूब, ठीक है। क्यूब की जी ये भी एक लंबाई होंगी है, एक चौड़ाई होंगी है, एक उचाई होंगी है। लेकिन ये खासियत की है कि अपने को जी लंबाई चौड़ाई तो हाइट जीडिया ये तिने होंगे ने बराबर होंगे ने। एल इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। आह अपनी एल आ गई, आह बी आ गई, तो आह अपनी हाइट आ गई, ठीक है। हूँ देखो हूँ जो है ये जो कर्वड सर्फेस एरिया यानी वक्र सतह का खेत्रफल है। हूँ देखो अगर तुम घन ध्यान देखोगे राजे तो यह बिल्कुल सारिया भुजावं बराबर ने, यानी यह कि पीसिस तो मिलकर बनया हुआ स्क्योर यानी वर्ग तो मिलकर बनया हुआ, ठीक है, वर्ग तो मिलकर बनया हुआ गा। तो बस तुम सीधी जी गल याद रखनी है, तुम्हें पता जो वर्ग का जो खेत्रफल है वो कि होंगे वह अपने को साइड की घात साइड स्केयर यानी भुजा की घात दो होंगे। हूँ कर्वड सर्फेस एरिया कि कंधा होंगे ने, चार कंधा, क्योंकि देखो एक अगे वाला एक पिछे वाला एक खब्बे हाथ एक सज्जे हाथ, सो चार हो गया, सो की करता चार ए स्केयर करता। टोटल सर्फेस एरिया यानी कुल सतह का खेत्रफल कितना हो गया, हूँ देखो ए स्केयर की होंगे एक वर्ग का खेत्रफल होंगे, तो टोटल सर्फेस एरिया मतलब टोटल साइडा कि हो गई, एक अगे पिछे एक सज्जे खब्बे एक उपर फ्लो एक उपर अपना वो हो गया छत हो गई तो नीचे फ्लोर हो गया कि हो गया छे, सो छे ए की स्केयर लगा देना। तो अगर सानू आ गया क्यूब का आयतन तो वह कि लगा देंगे ए की घात तीन लगा देंगे, क्योंकि सानू पता है कि होंगे ऊँ भी सानू पता कि एल इंटू बी इंटू एच होंगे। हूँ इतने सारिया चीज़ा बराबर ने, एल भी सेम है बी भी ए है, मतलब तिने चीज़ा सेम ने, तो आप की लगाता ए की घात तीन लगाता। सो आई होप तुहानू कणाव ते कण दे विच डिफरेंस भी पता चल गया होगा और तुहानू तिने मेन फॉर्मूलाज भी पता चल गए होंगे। हुण राजे बेलन की गल करते हैं यानी सिलेंडर की गल करते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए क्योंकि तुसीं होर भी पढ़ना होगा, मैं फटाफट हूँ बस तुहानू सारा कुछ करवा देनी है, ठीक है राजे। हूँ देखो आप करना सिलेंडर, सिलेंडर आप बोलते राजे इन आप बोल देंगे बेलन, ठीक है जी। हूँ राजे जो बेलन का कर्वड सर्फेस एरिया यानी बेलन का वक्र सतह का खेत्रफल कितना होता है, टू पाई आर एच। हूँ तो बस फटाफट तुम जिवें मर्जी करो याद कर लो ये सारे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेंडर का आया हुआ है, तो सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया कितना होता है, देखो यहाँ तो तुम ये वाला याद रख लो टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्केयर। हूँ ये की किया होया इन्होंने टू पाई आर ए भी है, टू पाई आर ए भी है, कॉमन ले लिया होया तो बाद चो की आ गया आर प्लस एच आ गया। देखो मैंने पता किमें याद किया होया कि कर्वड सर्फेस एरिया कितना होंगे टू पाई आर एच, टोटल सर्फेस एरिया कितना होंगे टू पाई आर आर तक तो सेम लिख लिया, एच की जगह फिर की लिखता है आर प्लस एच लिखता। हालांकि इदा का कोई सीक्वेंस नहीं होंगे लेकिन हरेक का अपना अपना तरीका होंगे याद करन दा, ठीक है जी। सो अगर तो तुम हूँ टाइम नहीं है बेसिक करवाऊँ का, नहीं तो मैं तुम्हें बेसिक नाल करवा दी, लेकिन हूँ तो तुम्हें अं करना पेगा, ठीक है। और जी अपने को सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि आयतन इतने मैं लिखी दिनी हाँ, नहीं बच्चे फिर वो ऑफेंड हो जाते हैं पंजाबी मीडियम वाले, ठीक है जी। तो अपना वॉल्यूम की होंगे राजे आयतन होंगे और एक वो जी अपनी फॉर्मूला की आ गया पाई आर की घात दो, सो दैट मीनस पहला की आ गया टू पाई आर एच, फिर टू पाई आर एज इट इज़ लिख लिया, बस एच की जगह आर प्लस एच लिख लिया, फिर एक ही आ गया पाई आर की घात पाई आर की घात दो एच। बस ए याद रख लियो बस सारा कुछ, जो तुम्हें सी एस ए याद है तो आ भी याद हो जाए। देखो यू तुम किमें जो बना सकते हो कि जो आह दो है ये दो इतों चक के बस आर की घात दो लगाता। देखो हालांकि ऐसे जो कुछ नहीं होंगे लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक तरीका दस रही हूँ याद कर, है ना, या कह लो कि रट्टे लगाने का एक तरीका दस रही हूँ, सीधी जी गल है, ठीक है। सो कर्व सर्फेस एरिया टू पाई आर एच, अगे टोटल सर्फेस एरिया की हो गया मतलब टू पाई आर एच की जगह आर प्लस एच लिखता या एच प्लस आर कुछ भी लिख लो, वॉल्यूम की हो गया पाई आर की घात दो एच हो गया। सो आई होप दिस इज क्लीयर टू एवरी वन, ठीक है। बस आ सीक्वेंस याद रख लियो कि उपर पहला तुसी सी एस ए लिया सी, फिर टोटल सर्फेस एरिया, फिर वॉल्यूम यानी कि आयतन लिया सी, क्लियर है राजे, शाबाश। हूँ उस तो बाद देखो कोण, कोण की हमारा शंकु, अच्छा कल वाली वीडियो ना मैं इनू शंकु पाता सी, जी मैंने अपना शॉर्ट्स बनाई सी तो फ्रस्टम नू मैं मैंने खुद ही नहीं सी पता कि ना इनू शंकु की छिनक बोलते हैं, मैंने जो ध्यान नाल चैक किया, मैं जो प्रॉपर तुहाड़े नोट्स बनाए इकट्ठा किया सारा पंजाबी इंग्लिश नू उदों पता लग्या। सो प्लीज़ ये वाली चीज़ नू करैक्ट कर लियो राजे, ठीक है। और हाँ एक क्वेश्चन होर सीगा मैं बाद चो दस दूँ वाला क्वेश्चन, मेरे माइंड चो स्किप हो गया। चलो ये देखो जिहड़ा राजे कोन हुंदा है, कोन नूं आपां पंजाबी मीडियम च की बोल देंगे, शंकु बोल देंगे, ठीक है। कुछ इदां दा कुछ आइसक्रीम जे कोन वर्गा हुंदा, यह इन्ना का अपना रेडियस हुंदा, ठीक है। आह अपनी जिहड़ी हैगी आ उह एच हुंदी आ, ते आह अपनी तिरछी उचाई हुंदी जिहनूं आपां एल बोलदे आ, ठीक है जी। हुण देखो राजे ध्यान नाल जिहड़ा इहदा कर्वड सर्फेस एरिया, कर्वड सर्फेस एरिया की सीगा, कर्वड सर्फेस एरिया सीगा वक्र सतह का खेत्रफल, ठीक है। तो जिहड़ी इहदी वक्र सतह का खेत्रफल मैं लिखी दिंदी आ इत्थे वकर, इतने वकर लिख दिनी हाँ, टोटल सर्फेस एरिया दे विच कुल सतह का खेत्रफल, तो वॉल्यूम हो गया अपना आयतन, ठीक है। आई होप तुहानू थोड़ी बहुत क्लीयर होगी हैंडराइटिंग। हुण देखो इहदा जिहड़ा अपना वकर मतलब अपना वकर सतह का खेत्रफल है यानी कर्वड सर्फेस एरिया लेटरल सर्फेस एरिया वह कितना होएगा, पाई आर एल। बस तुसीं याद रख लो आर ते एल नूं गुणा करता, आर ते एल नूं गुणा करके की आ गया अपने कोले कर्वड सर्फेस एरिया आ गया। टोटल सर्फेस एरिया एरिया की होएगा पाई आर एल प्लस आर, बस सेम चीज़ रख लो पाई आर रही आ गया, एल दे विच की जुड़ गई आर जुड़ गई। तो हुण जदों वॉल्यूम की गल करांगे तां वॉल्यूम कितना आएगा, वन बाय थ्री पाई आर की घात दो एच, एक वटे तीन पाई आर की घात दो एच।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 H, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਤਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 H ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਵੇਲਣ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਇਤਨ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90° ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਐਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨ, ਆਹ ਹਾਈਟ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧਾਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲ ਇਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਫੇਅਰ। ਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੋਲਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਗੋਲਾ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਫ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਵਕਰ ਸਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਘਾਤ 2। ਬਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੋਲੇ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਸਤਾ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਨ। ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਘਾਤ 3, 4/3 ਫਿਰ ਪਾਈ ਆਰ ਦੀ ਘਾਤ 3, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ, ਹੁਣ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? 2πr ਦੀ ਘਾਤ 2। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ? 3πr ਦੀ ਘਾਤ 2। ਬਸ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 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 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4πr ਦੀ ਘਾਤ 2, ਅਤੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 3πr ਦੀ ਘਾਤ 2, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 2πr ਦੀ ਘਾਤ 2। ਦੇਖੋ 4, 3, 2, ਬਸ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖ ਲਿਓ। 4πr ਦੀ ਘਾਤ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 3, ਫਿਰ 2, ਬਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਆਹ ਬਸ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 4/3πr ਦੀ ਘਾਤ 3 ਸੀ, ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2/3πr ਦੀ ਘਾਤ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4/3πr ਦੀ ਘਾਤ 3 ਆਪਣਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਨੀ ਆਇਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 2 × 2, 2 × 2, 4 ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 2/3πr ਦੀ ਘਾਤ 3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਛਿਣਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਰ ਸਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? πl(r₁ + r₂)। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਰੱਟੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀ, ਮੈਨੇ 10th ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, πl(r₁ + r₂ + πr₁²) + πr², ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? r₁² + r₂² ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆਂਗੇ ਉਹ ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 720 ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਛਿਣਕ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 1/3 πh(r₁²) + r₂²) + r₁² ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਛਿਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਐਲ ਕੀ ਹੈ? ਛਿਣਕ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਿਣਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਹ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟਮ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਛਿਣਕ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਛਿਣਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟਮ ਆਪਾਂ ਕੋਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰ ਰਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੋ ਵਿਕਰਨ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਤਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਫ ਹੈਂਡਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਆਹ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੀਨਿਊਸ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਡਾਇਗਨਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ ਵਰਗ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਜਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਯਾਨੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 × ਸਾਈਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਨ ਯਾਨੀ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ √2 ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਰਨ ਹੈ ਵਿਕਰਨ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16/2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1/2 × ਹਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ π/r² 2 H ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ π/r² 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਣ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ π/r² 2 H 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸ਼ੰਕੂ ਯਾਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ π/r² 2 H ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਾਗਾ ਵੇਲਣ ਦਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ CSA ਔਰ CSA ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ CSA ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟਮ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਿਆਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਛਿਣਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ πlr1+r2 ਯਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲ ਪਰਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ πl ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਲੂਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਅਗੇਨ ਦੇਖ ਲਓ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕਿੰਨਾ ਆਹ π/r² 2 H ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਵੇਲਣ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਹ ਹਰੇਕ ਜੋੜਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਫ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਅ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਯਾਨੀ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਸਤ੍ਹਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3π r² ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 14 ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਾਈ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾ 2/7 ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 3.14 ਭਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 7 ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ 3 × π × 7 ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 × 7 49 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 49 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 147π ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਸ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫੇਅਰ ਹੈ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸਫੇਅਰ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4/3π/r³ 3 ਸੋ ਆਪਣਾ 4/3π/r³ 3 ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸੋ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮਝੋ ਮੈਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ
आ देखो तुहानू किन्नी इंपोर्टेंट चीज़ दिती हुई है इत्थे कि जिहड़ी पाई है वह एक अपरिमेय यानी कि इरैशनल संख्या है। तुहानू मैं दस्सिया सी कि जिहड़ी पाई है वह की है इरैशनल है तो बाई वटे सत्त की है रैशनल है। सो ए वाली चीज़ देख लिए क्योंकि यह वाली चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, मतलब और भी चीज़ तुहानू बहुत वारी करवाई है कि यह नॉन टर्मीनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। मतलब पाई बहुत ही ढीठ है। नॉन टर्मीनेटिंग मतलब पॉइंट तो बाद कदे नहीं रुकती, चलती रहती है। नॉन रिपीटिंग का मतलब कि कोई पैटर्न भी नहीं दिंदी, मतलब कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर आ जाता है। ठीक है जी, और उस बाद जो 22/7 है वह अपना की हो गया रजे, वह अपना रैशनल नंबर यानी कि परिमेज संख्या, तो पाई अपनी अपरिमेज संख्या। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे सुन लैन। सो रजे दिस इज ऑल, तुहाडे मैंने दो जिहड़े हैगे नंबर होर पक्के करवाते। चलो मैं तो ही कहनी कि मान लो हुण तुहानू तीन ते तीन फॉर्मूला ही आ जाए, चाहे तीन चार फॉर्मूलाज आ जाए, चलो थोड़े नंबर अं पक्के ने। सो जिवें फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन इतने तुहाडे जिहड़े हैगे टाइम भी बच सकदा ते तुहाडे नंबर ईजीली आ सकते हैं। सो रजे ऑल द बेस्ट। बस हुण मैं वीडियो अपलोड करन लगी हाँ, 7:10 रहिंदे ने पर वीडियो अपलोड च हुण मैनूं लगदा 10-15 लग जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थोड़ी पूरी पूरी तैयारी है। गॉड ब्लेस यू माय बच्चा बारी।